नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। ज़्यादातर देखा गया है कि हम जब भी पुदीना उगाना चाहते हैं, कई लोगों के लिए ये तो बहुत इजी है कि उसकी जो मार्केट से हम पुदीना लाते हैं उसकी डंडियां जो बच जाती हैं उसमें जो मोटी वाली हैं उसे लगाएं और पुदीना अच्छा चल पड़ता है। पर कई लोग हैं जो बार बार कोशिश करके भी पुदीना नहीं उगा पा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि मॉइस्चर कम हो सॉइल में, या सनलाइट कम हो, या उन्हें रेगुलर आप कह सकते हैं पानी नहीं दिया गया, या सॉइल आपकी इतनी न्यूट्रिशियस नहीं थी। खैर, इस बार मैंने एक अलग मेथड से पुदीना उगाने की कोशिश की है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल लग रहा है, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया है जिसमें होल्स नहीं है। जनरली हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि वेल ड्रेन्ड पॉट होना चाहिए जिसमें होल्स होने चाहिए, पर मैंने इस बार ट्राई किया है कि बिना होल के एक बार करके देखती हूँ और रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो और इससे एक फ़ायदा और भी होता है, कई लोगों के पास जैसे जगह नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी छत या जहाँ पे भी वो पॉट्स रखते हैं वहाँ गंदगी ना फैले, तो ये एक ईजी ऑप्शन है। तो इसमें मैंने क्या किया है, होल्स नहीं लिए हैं। कंटेनर का साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं है, ये करीबन 5 इंच की विथ का है, तो ग्रीन्स या सीडलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे मैंने पॉटिंग मिक्स ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियाँ हैं, इसमें मैंने और कुछ भी नहीं लिया है, ये सिर्फ लीफ मोल्ड है या पत्तों की खाद जिसे आप कहते हैं, ये 100% वही लिया है मैंने, इसमें और कुछ नहीं डाला है। यही रीज़न है कि मैंने इसके पॉट में होल्स नहीं किए, क्योंकि लीफ मोल्ड में इतना ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमस होता है कि हमारे प्लांट को जितना चाहिए उसे सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है, और बीच बीच में अगर हमने स्प्रिंकलिंग या स्प्रेइंग कर दी पानी से तो पौधा अच्छा चल पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने लीफ मोल्ड लिया, कंटेनर लिया विदाउट होल्स, लीफ मोल्ड से इसे फिल किया, और जो भी मार्केट से पुदीना हमने खरीदी थी उसमें मैंने देखा कि कौन सी मोटी डंडियाँ हैं, उन्हीं को खाली डाला है, क्योंकि देखिए जब पतली अगर आप लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद वो सूख जाती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप लगाएं इन डंडियों को एक क्लस्टर में लगाएं, सिंगल सिंगल ना लगाएं, जैसा कि मैंने कहा कि पुदीना को मॉइस्चर अच्छा चाहिए होता है, तो जब एक साथ हम क्लस्टर में लगाते हैं तो इन्हें आपस के एक दूसरे की स्टेम से भी मॉइस्चर काफ़ी कंटेंट में मिल जाता है जिससे कि वो अच्छी चल पड़ती हैं। तो मैंने उन्हें इस तरह से लगा दिया है। इवन मैंने सीड भी ट्राई किया था, यहाँ देखिए नास्टिशियम का सीड मैंने लगाया है, वो भी अच्छे से स्प्राउट कर गया है। तो इसको लगाने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बार बार बता रही हूँ कि इसमें ड्रेनेज होल नहीं है, तो हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और लीफ मोल्ड में अपनी मॉइस्चर बहुत होता है, तो एकदम हल्का सा पानी डालेंगे और इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ अच्छी सनलाइट आती हो। ठीक है, अब इसे कम से कम 3 या 4 दिन हम पानी नहीं देंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो जहाँ जहाँ पे नोड्स थे वहाँ से पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तब आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। इसमें चाहें तो आप इसी में इसको ग्रो कर सकते हैं, या इसकी जब अच्छी रूटिंग हो गई आप इसे बड़े पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पालक के लिए भी इसे सेम मेथड से ट्राई किया था, बहुत अच्छी उग रही है। थोड़ी बड़ी होने के बाद इसे भी मैं कोशिश करूंगी कि ट्रांसप्लांट कर दूं बड़े कंटेनर में, फिलहाल अभी ये अच्छी चल रही है तो टेंशन की बात नहीं है। अब ये देखिए, ये फिर से मैंने लीफ मोल्ड अलग से रखा हुआ है जिसमें मैंने आज ये करेले के बिटरगॉर्ड के सीड्स लगाने हैं। इसकी सीडलिंग होने के बाद भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि कैसा रिजल्ट आया है। मुझे लगता है कि इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे भी हल्के हाथों से कर दिया है, क्योंकि जब भी आप इसे छूते हैं ना, ये काफ़ी हद तक गीला रहता ही है, देखिए इसमें अपनी मॉइस्चर बहुत रहती है, तो इसमें पानी बहुत कम डालना है, और कोशिश करें कि रोज़ तो पानी बिल्कुल ना डालें, 3-4 दिन में एक बार डालें। तो आप ट्राई कीजिए इस मेथड से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने क्या इसमें लगाने की कोशिश की और उसका रिज़ल्ट कैसा रहा।
तो हो सकता है कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करते हैं। तो अल्टीमेट गोल है कि हर आदमी जो भी गार्डनिंग से प्यार करता है या उसको जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं उसे हम कैसे ओवरकम कर सके, साथ मिलके गार्डनिंग करें और इस जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू।